हॉलैंड में गुस्ताखाना खाकों की इशाद पर अहले इस्लाम सरापा एहतजाज। एपका पंजाब की डेविस रोड से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली, मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन की शिरकत। जामिया नईमिया के तलबा और शहरी भी सड़कों पर आ गए। मुजाहरीन की नारेबाजी, गुस्ताखी के मुर्तकब मुल्क के बायकॉट का मुतालबा। तहरीक लबैक का आज लाहौर से इस्लामाबाद मार्च, काफिला 4 बजे दाता दरबार एहतजाजी जलसे के बाद रवाना होगा। मार्च इस्लामाबाद पहुंचकर धरने में तब्दील होने का इम्कान जराए। अवामी रिक्शा यूनियन पीछे हटने को नहीं तैयार। एलपीजी की कीमतों में इजाफा के खिलाफ आज डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज। मुजाहरीन का कीमतें फौरी कम करने का मुतालिबा। चेयरमैन रिक्शा यूनियन मजीद गौरी के डीसी के साथ मुजाकरात। मेट्रो ट्रेन मंसूबे के लिए ग्राउंड्स के इस्तेमाल पर लाहौर हाईकोर्ट बरहम। आप लोगों ने पंजाब यूनिवर्सिटी के ग्राउंड का सत्यानाश कर दिया। किस कानून के तहत यूनिवर्सिटी के ग्राउंड कंस्ट्रक्शन कंपनीज के हवाले की? जस्टिस अली अकबर कुरैशी। अदालत ने हबीब कंस्ट्रक्शन, ZKB कंस्ट्रक्शन के चीफ एग्जीक्यूटिव, DGLDA और रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी को 3 सितंबर को तलब कर लिया। लाहौर की 2 कौमी 2 सूबाई असेंबली की निश्चितों पर जिमनी इलेक्शन। कागजात नामजदगी की वसूली का सिलसिला जारी। N124 से तहरीक इंसाफ के मोहम्मद खान मदनी और नुमान कैसर ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। वलीद इकबाल भी कागजात हासिल करेंगे। NA78 के इलेक्शन में धांधली की गई। गुलकार इब्रार उल हक की दरखास्त पर समाप्त। अदालत ने दरखास्त इलेक्शन कमीशन को भिजवाते हुए निपटा दी। इलेक्शन कमीशन दरखास्त गुजार को सुनकर कानून के मुताबिक फैसला करे हाईकोर्ट। इब्रार उल हक को 5 सितंबर को इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश होने का हुक्म। खान साहब और उनके पसमानदा वजीर आला कौमी खजाने से गुलछड़े उड़ाने में मसरूफ। हेलीकॉप्टर ससुराल जाने और झूले लेने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। PTI की असलियत और अहलियत पूरी दुनिया पर अयां हो चुकी। कौम अपने मैंडेट पर डाके की वारदात दोहराने नहीं देगी। ज़िमनी इंतखाब में इंशाल्लाह हर तरफ शेर ही शेर नजर आएगा। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज की अरकीन असेंबली और दीगर से मुलाकात में गुफ्तगू। साबिक दौरे हुकूमत की पब्लिक सेक्टर कंपनीज में मोटी तनख्वाहों पर काम करने वाले 98 प्राइवेट अफराद के खिलाफ घेरा तंग। नैब ने तहकीकात के लिए कंपनीज और इदारों से रिकॉर्ड तलब कर लिया। SPU, रिवर रावी जोन साफ पानी कंपनी और कैटल मैनेजमेंट कंपनी में तैनात प्राइवेट अफराद निर्खे में आ गए। साफ पानी कंपनी स्कैंडल। एहतसाब अदालत ने मुलजिम राजा कमरुसलाम और वसीम अजमल को मजीद 13 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत का मुलजिमान को 11 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। पाक भारत आबी तनाजा, दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर आज होगा। पाकिस्तान ने भारत के 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर एतराजात उठा रखे हैं। पाकिस्तानी एतराजात पर भारतीय वफ्द अपना मौकफ पेश करेगा। गर्मी और हब सुपर से हर 2 घंटे बाद 1 घंटे के लिए बिजली बंद। फनी खराबी के नाम पर धर्मपुरा, मुस्तफाबाद, उमर कॉलोनी, बागड़िया, रायवन रोड, निश्तर कॉलोनी के इलाकों में रात 12 बजे बत्ती गुल। अवाम बिलबिला उठे। लेस्को का शॉर्टफॉल 400 मेगावाट तक पहुंच गया। दीगर कई इलाकों में भी तवील लोड शेडिंग। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ का दौरा। अफसरान से मुलाकात। सेक्रेटरी अली बहादुर काजी ने ब्रीफिंग दी। शहर की 79 हाई रिस्क यूनियन काउंसिल्स में सादे पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज। 2275 टीम 7,80,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। पोलियो टीम्स की सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। DC लाहौर।
तैयारों की खराबी और दीगर तकनीकी वजूहात लाहौर एयरपोर्ट पर 15 परवाजें ताखीर का शिकार, 15 उड़ान ही ना भर सकी, मुसाफिर परेशान। सेशन कोर्ट में कत्ल केस की पेशी पर आए मुलजिम मुदई पार्टी के लोग उलझ पड़े, बात मजीद भरने से कबल वकला ने बचाव करवा दिया। एशियन गेम्स में मेडल हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून खिलाड़ी नरगिस का वतन वापसी पर पुरतपाक इस्तकबाल, खिलाड़ियों के ढोल की थाप पर भंगड़े, कराटे में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने वाली खिलाड़ी का मुल्क में खेलों की सहूलतें ना मिलने का गिला, अपनी फतह पूरी कौम के नाम कर दी। लाहौर कलंदर राइजिंग स्टार टैलेंट हंट प्रोग्राम कजाफी स्टेडियम में दूसरे और आखिरी रोज भी रौनक के क्रिकेटर स्टार बनने वालों का रश लग गया।